उपेन कॉमेडी। हे आ हा, मैं हूँ अलबेला अकेला चला अपनी धुन में। मैं हूँ अलबेला अकेला चला अपनी धुन में। मुझे नहीं कोई खबर ना ही दुनिया की फिकर। मैं हूँ अलबेला अकेला चला अपनी धुन में। अलबेला अकेला चला अपनी धुन में। मेरी कोई मंजिल नहीं अपनी है हर गली। मेरी कोई मंजिल नहीं अपनी है हर गली। मैं हूँ अलबेला अकेला चला अपनी धुन में। क्यों भाई पगला गए हो क्या? दुनिया में इतना टेंशन है, चारों तरफ परेशानी ही परेशानी है, तुम काहे इतना खुश हो? किस बात का तुमको इतना गुमान है? मैं कुमारा हूँ, आजाद हूँ, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। कुमारा जिंदाबाद, कुमारा जिंदाबाद, कुमारा जिंदाबाद, कुमारा जिंदाबाद। कुमार, कुमार, हाँ? कोई सपना देखा क्या? हाँ, बहुत अच्छा सपना था। सुबह का सपना है, सच हो जाएगा? ये सपना अब सच नहीं हो सकता शांति जी। क्यों सच नहीं हो सकता? क्योंकि मैं भूतकाल में वापस नहीं जा सकता शांति जी। क्या हुआ बेटा, फिर से कोई सपना देखा क्या? हाँ पिताजी। तुम खाली सपने देख सकते हो, हकीकत में तोरा से कुछ नहीं होगा। तुम सपना मत देखा करो बेटा। अब सपने को कोई कैसे रोक सकता है पिताजी? है बहू, मुझे एक चाय दे दो। कुमार, तुमने फाइल कंप्लीट किया? हाँ हाँ कंप्लीट है, थोड़ा सा बचा है, तुम पूरा कर दो ना प्लीज जानू। पर मुझे चाय बनानी है पिताजी के लिए। चाय मैं बना देता हूँ। पिताजी का और तुम्हारा सेवा करना हमारा सबसे पहला धर्म है। बहू चाय में थोड़ा अदरक डाल देना। जी पिताजी, डाल दूंगी। नालायक, मुझे बेवकूफ बनाता है। बहू कहाँ गई जो तू चाय बना रहा है? पिताजी वो काम कर रही है। वो काम ऑफिस में करेगी या घर में? वो अपना काम ऑफिस में ही करती है पिताजी, वो घर में मेरा काम कर रही है। तो तू अपना काम खुद से क्यों नहीं करता? आपका बेटा चपरासी था पिताजी, पर आपकी मैनेजर बहू ने उसे कंपनी में क्लर्क बना दिया। तो एक चपरासी क्लर्क का काम कितना बढ़िया से कर सकता है, गड़बड़ी हो ही जाता है। इसलिए आपकी बहू ऑफिस में अपना काम और घर में मेरा काम करती है, और बदले में मैं उसका काम करता हूँ। तू नलायक का नलायक ही रहेगा। गर्मा गर्म चाय पिताजी। चाय मैम। आप मैम मुझे मत बुलाया करो। तो क्या बुलाऊं? शांति बुलाइए। शांति क्यों बुलाऊं? मैंने प्यार शांति से नहीं, अपने ऑफिस की मैम से किया था, सो मैं तो मैम ही बुलाऊंगा। आपके कैलकुलेशन में इतनी गड़बड़ी है, आप कब सुधरिएगा? मैं बिगड़ा ही कब था जो अब सुधरूंगा। क्या बोले, क्या बोले आप, क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले? जिस आदमी का घर में और ऑफिस में दोनों जगह बॉस भी हो, वो आदमी भला बिगड़ कैसे सकता है? क्या बोले, क्या बोले हम? मुझे मेरी बीबी से बचाओ, मुझे मेरी बीबी से बचाओ, अकड़ती है बिगड़ती है, हमेशा मुझसे लड़ती है,
मुझे मेरी बीवी से बचाओ। अच्छा मेरा सोना मोना, चुप हो जा, मैं नहीं मारूंगी तुझे। मेरा सोनू मोनू, अब आशु को जल्दी से उठाइए और स्कूल के लिए रेडी करिए, तब तक मैं अपना काम खत्म कर लेती हूँ। सुबह हो गई मामू, उठ जा मेरा राजा बेटा, गुड मॉर्निंग, उठ जा, आजा, हाँ। मम्मा को गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। नहीं बोलेगा। दादाजी के पांव छुओ बेटा। पहले तुम छुओ रे बेकूफ। अब मेरा बेटा बाथरूम जाएगा, सुसु करेगा, अब मेरा बेटा ब्रश कर लेगा और जल्दी से नहा लेगा और स्कूल जाएगा। अब मेरा आशु बेटा स्कूल जाएगा। चलो बेटा, मम्मा को बाय बोलो। बाय बेटा। अजी मेरा सर बहुत दर्द कर रहा है, थोड़ा दबा दीजिए ना। अभी आया मैडम। जब सर तेरा चकराए, दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए। अच्छा जी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। मैं आपसे इतना काम करवाती हूँ, आप कहीं बुरा नहीं मानते? इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है? आशू की सेवा करता हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, पिताजी की सेवा करता हूँ क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, यह मेरा धर्म है। और मेरी सेवा? मैं नहीं बताऊंगा, मुझे बहुत शर्म आती है। अब मुझसे क्या शर्माना कुमार जी, बता भी दो। क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सचमुच तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो? आजमा कर देख लो। आशु के कपड़े धो दो प्लीज, मेरा सर बहुत फटा जा रहा है। ठीक है, अब इतना प्यार से कह रही हो तो करना ही पड़ेगा। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। जब से हुई है शादी, आंसू बहा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है उसको निभा रहा हूँ। अरे बेटा, अगर कबूतर अपना आंख बंद कर ले तो ऐसा नहीं कि चील उसको नहीं देख रहा है। तुम्हारा ये हालत देखकर मुझे बहुत अफसोस होता है। पिताजी, मेरी इस हालत का जिम्मेदार बहुत हद तक आप भी हैं। हाय रे बीबी का गुलाम, चले ना जाने तो आंगन टेढ़ा, हम कैसे जिम्मेदार है तुम्हारा इस हालत का? पिताजी, जिस समय मैं एक चपरासी मैनेजर लड़की से शादी करने जा रहा था, तब आपको मुझे रोकना था, समझाना था और इस कुआं में गिरने से बचाना था। मैं तो उसके प्यार में अंधा हो गया था, लेकिन आप सुंदर बहू और उसकी सैलरी के पीछे अंधा हो गए थे। मुझे बचाने के बजाय और कुआं में धकेल दिए। जा बेटा, जा, कुछ जा कुआं में। यही सच है पिताजी। अजी जरा सुनते हैं, जल्दी से थोड़ी सब्जी काट दीजिए ना। आता हूँ। डूब मरो। अलबेला अकेला,
चला अपनी धुन में। अजी उठिए। हाँ? अब सपने देखने से कोई फायदा नहीं है, हकीकत में रहिए। और हकीकत ये है कि आप अभी सब्जी काट रहे हैं, समझे? हाँ समझ गया, अब कोई रास्ता नहीं, आप लोग भी समझ जाइए। यदि आप लोगों को हमारा कॉमेडी वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल उपेंद्र कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा।